तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। और अभी मैं इस टाइम पे ब्लॉग इसलिए कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसे टाइम पे ब्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर के वहाँ पर घूम है, क्योंकि अभी स्वयं यशु और कार्तिक, ये तीन ना कार्तिक की स्कूटी में गए हुए थे। पहले बैठ जाऊँ एक मिनट, फिर बता दो तुम्हें चैन से। अरे तो आ गए अंशु, प्रांशु और अर्जुन, मैं स्वयं की स्कूटी लेके, हम सब लोग जा रहे हैं स्वयं की, वो कार्तिक की स्कूटी का ना पहिया ही निकल गया है। चलते चलते ना हल्की स्पीड में, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, खाली पहिया निकला है, तो वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो वहीं चल के दिखाता हूँ क्या सीन है, चलता हूँ, निकालता हूँ स्कूटी, फिर चलता हूँ। तो भाई लोग, हमारे भाई लोग फंस गए थे, तो वहीं जा रहे हैं, तो हम निकल चुके हैं अभी। पहले तो हल्की आवाज़ आई, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। तीन जने हैं, वो यशु हो गया, स्वयं हो गया, कार्तिक हो गया। तो ये तीनों ने क्या बोलते हैं, स्कूटी में गए होंगे, जिम का टाइम था भाई। मैं सुनू, मैंने इनको फोन किया है जिम के टाइम पे, ये मेरे से कह रहे हैं आधा स्कूटी लेके चल रहे हैं घूमने चलने के। मैंने जिम गया, मेरी खाली तीन एक्सरसाइज होती, चेस्ट डे था तो मेरी तीन वो एक्सरसाइज होती, तो मैं तीसरी एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट करनी, यशु का फोन आ रहा था, मैं सेट लगा ही रहा था अपना, तो मैं उतरा हूँ, मतलब सेट पूरा किया, देखा यशु को फोन किया, तो वहाँ पर बोलता उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो मैंने स्वयं की स्कूटी पकड़ी, स्वयं ने कहा था मेरी आना, तो हम लोग निकल गए अभी। अब देखते हैं जो भी होता है, वहाँ जाके जैसा भी होगा देखेंगे, या तो कार्तिक की स्कूटी वही छोड़नी पड़ेगी, वो तीन स्कूटियों में बैठ के आएंगे, जो भी होगा मतलब आपको दिखते रहेगा ब्लॉग में। भाई गाड़ी में तेल नहीं था, तेल भी डला रहे हैं, और तेल डला रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा वहीं। ऐसा हो जाता है कभी कभी भाई लोग, मौज लेने गए थे सजा बन गई। वो इन्होंने वो स्किप कर दिया था ना जिम, अच्छा इनको परिणाम मिला उसका। हाँ परिणाम मिला जिम स्किप करने का। अगर अभी जिम गए होते क्रिस के संग, बढ़िया करके जिम कर रहे होते, अभी चेस्ट बनी होती इनकी, तगड़ी ऐसी क्रिस की तरह बॉडी बना, दिखा दे क्रिस, नजर लग जाती है ना, बाहर नहीं दिखाते। अब ये मत देखो कितना डरा रहे, खाली बेइज्जती हो जाएगी। दिखाया, पैसा चेक कराया, पैसा चेक करो गाइस। ये देखो यहाँ पहुंच गए, टायर ही अलग हो गया, ये तो पूरी अलग हो गई, ये देख रहे तीनों यहाँ लेटे हुए, आइए आइए ये देखो, अरे भाई ये तो टेढ़ी हो गई है, नट तो यही है, अरे चलती स्कूटी में, ये देख रहे ये जो हिस्सा, ये तो ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू हो गया इनका, और ये जो एरिया, ये मतलब एरिया करो, ये हिस्सा टूट गया है, ये देखो ये गया पूरा, और ये तीन स्कूटी लेकर आए हम लोग, मतलब दो स्कूटी अब लेकर आए, ये हो गए, ये देखो ये दूर से आ रहे हैं भाई, अब तो हो गया काम आज का बढ़िया ब्लॉग बन गया भाई, देखो आराम से आराम, काट दे चलती चलती स्कूटी में ना इनका टायर ही निकल गया, मैं तो कुछ सोचा सीरियस प्रॉब्लम हो गई होगी, ये तो हंस रहे बढ़िया करके, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को लगी लगी नहीं, बस कार्तिक भाई ने नैना अभी टापा डलवाया था, मैं दिखाऊं तुम्हें, ये देखो कार्तिक भाई ने डलवाया था, इसका भी काम हो गया थोड़ा थोड़ा, कार्तिक भाई का, अरे नया लगवाया, अभी अभी नई स्कूटी बनवा के लेकर आया, हमारा टापा बदल गया था, बच गए। ओए ओए कार्तिक का कह रहा स्कूटी उठाओ, स्वयं कह रहा बेचारे इसमें तो टायर ही नहीं है, ये देखो यही से हमें इसका टायर का यही टूट गया भाई, ये नट तो यही है इसका, ये हिस्सा ये टूट गया, टायर ही अलग हो गया, मतलब टायर टूटे, और ये तो भाई लोगों ठीक हो, भाई लोगों तुम ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, स्वयं तो फिर यशु भाई के लग गई, अबे यार यशु भाई के लग गए, जो गाइस इतनी सारी इतनी लग गई, ये क्या ना ना, ये थोड़ी सी भैया लग गई यार, इनके ये गिर गए, हम तो रास्ते जा रहे थे, इनको कर लिया, अरे नहीं 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 भाई को कुछ नहीं होता, रास्ते जा रहे कह रहा हूँ, हम इनके भाई है ना, ये देखो अलग ही हो गया, क्या हुआ, भैया फेंक दिया इनने, किन्ने फेंका, अरे वो कर रहा था।
स्प्रिंग तो उस्ताद जो भी है यही अलग हो गया। ये देखो ये टायर है, ये टायर का हिस्सा है, नट तो यही है, टायर टूट गया वही से, टायर का टूट गया मतलब। हाँ रिम ही टूट गया मतलब। ये तो लग जाएगा कोई, ये तो पूरा टायर ही चेंज हो गया। अभी आ रहा है एक जना, वो कोई दिक्कत, यही अलग हो रहा होगा ना, टायर ला रहे हैं। हाँ टायर ला रहे हैं। तो भैया आए थे, भैया ने हमारी मदद की, रिम समेत लाना है। हाँ रिम समेत लाएंगे, थैंक यू भैया। अरे अरे कुछ नहीं आ रहा, डंडा देख, डंडा देख, डंडा देख, डंडा देख, डंडा देख, हो गया। ये देख रहे हो हमारे वहाँ की वो ट्रेजेडी, तू किसी गाड़ी वाले को गिराएगा मेरे। ये देख रहा हूँ मैं, रात को रात हो रही है, कुछ उजाला हर जगह सब बंद है। मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ अभी, टाइम, अरे टाइम कहाँ से, टाइम हो रहा 9:30, करेक्ट 9:30 हो रहा है, करेक्ट 9:30 हो रहा है। और महंगा हम यहाँ ये टायर के चक्कर में फंसे हुए। अभी बस बुलाया है, अभी एक को बुलाया वो मैकेनिक भाई अपने, शायद भाई जिसमें कार्तिक ने पहले अपनी स्कूटी ठीक कराई थी, वही भाई अपना, उसी को बुलाया है। और क्या बोलते हैं, वही टायर वायर जो भी लेकर आएंगे अभी करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। वैसे तो 3 स्कूटियाँ हैं हमारे पास, ये अब लड़के भी हम जा रही है इस सुबह, मेरे ख्याल से पानी वानी मांगने गए किसी घर में, तो सही है। अभी साहिद भाई आते हैं, फिर देखते हैं जो भी होता है, लगाते हैं क्या बोलते हैं, खड़ी कर जाओ, खड़ी कर जाएंगे बोलेंगे तो खड़ी कर जाएंगे, सही होती तो घर ही ले चलेंगे, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। अभी कोई ये निशान दिख रहे हैं, ये इतना छट गया भाई, ये इतना है, ये देखो ये इतनी दूर इनकी स्कूटी छटकी है भाई साहब। कार्तिक भाई सही हो, तुम तो ठीक हो गए भाई, भाई साहब इतनी दूर तो ये छट गए। वो लगा लो जहाँ स्कूटी खड़ी है सामने, जहाँ जा रहा है, और ये यहाँ तक खस के घिसे है मतलब, ये इनकी स्कूटी ना इतनी दूर। टायर तो पूरा खत्म ही है वैसे इसका, अब ये कट गया भाई, पूरी हबी कट गई है भाई, तो हब ये तो कटा है फिर, ये तुम इससे, ये देखो आड़ा टेढ़ा जो हो रहा है इससे समझ सकते हो। टायर तो नया है यार, मतलब उतना पुराना भी नहीं, ठीक है, और इसको यहीं लटा दो बस। अब शाहिद भाई आते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो भाई यार बहुत देर हो गई, मतलब 15-20 मिनट से ज्यादा हो गया। मैं शाहिद भाई कह रहे हैं वहाँ पुलिस चौकी में चेकिंग चल रही है, कह रहे हैं अभी कैसा हूँ, अभी हेलमेट यार रात को बंदा नहीं लेके चलता है इतना, तो अब वो जल्दीबाजी में आया तो हेलमेट भूल गए वो कह रहे। तो अभी देखो क्या होता है, अभी तो थोड़ी देर लगी जाएगी मेरे ख्याल से, आधा एक घंटा और मान के चलो यहाँ पर अटके हम लोग, उसके बाद फिर चलेंगे यार, पहले आते हैं फिर देखते जो होता है, उसके बाद चलेंगे घर को। तो शाहिद भाई आ चुके हैं बड़े लंबे अरसे के बाद, ये देखो कितना बड़े डिपर मारता है अपना, एग्जॉस्ट सब ऑन करके, पुलिस से चेकिंग होती ना इस चक्कर में, देखो अब इन्हें नहीं रोकेंगे तो किसको रोकेंगे। ये बड़े अरसे बाद शाहिद भाई पहुंच चुके हैं। मैं गया था, मैं ये चौकी यहाँ पर है भाई, मैं वाली चौकी पे था, वही वाली चौकी पे था, मैं भी ऊपर वाली पे था मैं यार। कौन सी ऊपर वाली? अरे अपने काव वाली, काठगाम वाली, अरे ऊपर वाली गोलाप। अरे भाई शाहिद भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, आप देखो यार जो होता है, वो कह रहा नहीं आया, आगे रहेंगे वो, मेरे दो बार आगे आ गया यार। अरे आ ही रहे थे यहाँ पर भी तो लगे हुए। अरे हटा इसको, जो भी है सो सही कराते, फिर निकलते घर को। कैमरा फ्लैश नहीं, और कुछ नहीं तो गल गई हो, गल गई है, गलती है। हाँ गल जाती है, पानी में चलाते नहीं है। देखो हमारी स्कूटी वो तो कर दी, बस लास्ट में चलो सुबह एक नट इसका और एक नट इसका निकालने आगे पीछे का और लगा रहे हैं अब इसमें। इसका भी तो भाई नट बहुत चौड़े करे, अलग अलग हिसाब किया इसका, तब जाके लगाया। तो फाइनली अब हमारी गाड़ी ठीक हो ही गई है, बस नट वट लग गए उसके, एक अंशु की गाड़ी से निकाला है, एक नट आगे का एक नट पीछे का, तब जाके उसकी गाड़ी में लगाया कार्तिक की गाड़ी में, वरना तो भाई आज हम यहीं हट के रह जाते भाई। 9:30 बजे कुछ हम पहुंचे थे और 10:30 हो गया, मतलब 10:45 कुछ हो गया, 11 बजी जाएंगे हमें घर पहुंचते पहुंचते, मतलब भाई बहुत ही लेट हो गया। और हमारे घर में भी अभी सबको पता नहीं है, एक आध को ही पता होगा, मतलब अभी मतलब एक आध के घरों में
नहीं ले जाएगा, भाग नहीं ले जाएगा, है ना। तो मतलब एक आपके घर में पता होगा कि हम लोग यहाँ पर से, वरना बाकी भी नहीं बोलेगा कोई कहाँ है, कभी कोई कहीं है, ऐसा बता रखा है। मेरे घर में पता, टेंशन नहीं है। तो देखो बस लग गया अपना जुगाड़बाजी से कर रखा है, घर चल के कल होगा इसका अच्छे से काम जो भी होगा। फिर फाइनली भाई गाड़ी हो गई, अब ब्रेक शू टाइट करके चल रहे घर को। हैप्पी वैसे तो हमारे कब से बस एक ही खराब हो रहा था हमारे से। सारे सारे भाई खुश थे भाई। बड़े कार्ती भाई जिनकी स्कूटी है वो थोड़ी दिक्कत में थे, वरना हम तो खुश थे क्या। हम तो खुशी थे भाई, हमारी अब स्कूटी ठीक है, अब चल रहे हम सीधा घर को। बड़ी देर बाद भाई ठीक हुए, और भाई हमें देख के पता हम लोग इतने लड़के थे, 7-8 लड़के हम, तो हमें देख के कोई गाड़ी वाला भी नहीं रुक रहा था। क्यों रुकता भाई, सब इस टाइम पे क्या है ना, सुनसान रोड है तो सब ये सोचते हैं लूटपाट कर रहे हैं, मतलब लूटपाट के लिए रुके हैं। और बैंगर हम लोग लूटपाट का करेंगे, हम लोग इतनी मदद मांग रहे, बैंगर कोई रुक ही नहीं रहा था। कितनी मदद मांग रहे थे भाई? भाई बहुत मांग रहे थे, बहुत। कोई रुक जाए, एक मजाल कोई रुक जाए। वो तो एक भैया, जब गाड़ी ठीक हो गई हमारी तब एक भैया आए बैंगर, जब कोई किसी काम नहीं बचा। अब सब देखते जाएंगे, जब जब जरूरत थी तब कोई नहीं आया बैंगर। अब बस ये ठीक हो गई, ब्रेक टाइट कर रहे हैं और अब चल रहे सीधे घर को। अब हो गई फाइनल, हो गई बस। अब कल इसका जो भी काम होगा मेन वो अभी जुगाड़ है, कल बिल्कुल ओरिजिनल करके सब सही कर देंगे। फाइनली अब हम जा रहे हैं, देखो 3 दिन बैठ के जा रहे हैं, सुबह गाड़ी चला रहे, बस हम चलते हैं अब घर को। साइड बैठने वाली गाड़ी ठीक कर दी, अब चल रहे सीधा घर को, अब पहुंच रहे, अब सोएंगे, खाना पीना खा के। अब कार्तिक भाई पेमेंट करना है बस। कार्तिक भाई की स्कूटियाँ सही सलामत पहुंच चुकी है। तो आखिरकार हम उसी गाड़ी में बैठ चुके हैं जिसका कल पहिया निकल गया था, अब तो ठीक करा लिया इनने, अभी डर लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब तो स्कूटी ठीक हो गई बढ़िया, अब कोई टेंशन नहीं, अब कहीं भी अब ले लद्दाख जाएंगे इसमें सीधा, डायरेक्ट ले लद्दाख। इतनी सही होगी स्कूटी, इतना देखा आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग को जरा पहुँचाना यार, लॉन्डे ने अपने हाथ घिसवाए, सुबाई ने अपने हाथ घिसवाए, बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बस हो गया ख़त्म।